नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौर आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की लाल कुआ विधानसभा सीट की आप सोच रहे होंगे हम इस सीट पे आखिरकार ऐसा क्या है जो हम आए दिन इस सीट पर चर्चा करते हैं इस सीट को हॉट होने का मुख्य कारण है इस सीट से लड़ रहे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरीश रावत की मुश्किलें इस सीट पर कम होने का नाम नहीं ले रही 2022 में हरीश रावत ने जिस सीट को भी चुना उस सीट पर हरीश रावत की मुश्किलें शुरुआत से लेकर अभी तक उसी तरीके से बरकरार है जैसे ही चुनाव का आगाज़ हुआ था उसके साथ लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि हरीश रावत को लाल कुआं में आखिरकार क्या परेशानी आ रही है क्या दिक्कतें आ रही है और उसकी वजह क्या है ये हम आप आज आपको बताने की कोशिश करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की हरीश रावत लाल कुआँ सीट से चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन उस सीट पर कांग्रेस से नाराज होकर संध्या डालाकोटी, जो कि पहले कांग्रेस की प्रत्याशी थी इसी विधानसभा चुनाव के लिए वो उनकी सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि उनकी नाराज़गी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और वो अभी भी चुनाव के मैदान में डट कर खड़ी हैं और जिसका खामियाजा साफ तौर से हरीश रावत को इस चुनाव में झेलना पड़ सकता है और यही वजह है कि हरीश रावत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संध्या को मनाने के लिए आखिरकार कांग्रेस इतनी पीछे कैसे हो सकती है जब उस सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हों लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संध्या को मनाने के लिए लगातार कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने उनसे मुलाकात की और एक समय ऐसा लगा कि शायद संध्या अपना नाम और अपने हाथ पीछे खींच ले चुनाव से लेकिन ऐसे सुनने में आया जी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि कांग्रेस के ही घर से कोई व्यक्ति हैं जो सीएम भी बनना चाहते हैं वो चाहते हैं कि संध्या डालाकोटी लाल कुआँ से चुनाव लड़े और आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है वो तो आप समझ ही सकते हैं क्योंकि मैंने कहा सीएम वो बनना चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आने पर लेकिन इतना केवल हरीश रावत की सीट ही नहीं उत्तराखंड में और भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चाहे वो घनसाली की ही सीट क्यों ना हो क्योंकि इस सीट से भीमलाल आर्य निर्दलीय चुनाव मैदान पर हैं उनको मनाने की कोशिशें लगातार कांग्रेस कर रही हैं लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं हैं वहीं रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से भी माधवर सिंह कंडारी चुनाव के मैदान में है प्रचार बेहतर तरीके से कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रहे हैं तो उनको मनाने में भी कांग्रेस पूरी तरीके से फेल ही दिख रही है और इसका खामियाजा कांग्रेस को रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट में देखने को मिलेगा लेकिन ये केवल कांग्रेस का ही हाल नहीं ऐसे ही हाल बीजेपी का भी है क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक पूर्व इसलिए क्योंकि इस बार उनको टिकट नहीं मिला है हम बात कर रहे हैं रुद्रपुर विधानसभा से विधायक रहे राजकुमार ठुकराल की जिनका टिकट इस बार काटा गया लेकिन उनकी नाराजगी इतनी ज़्यादा थी कि वो पार्टी के खिलाफ जाकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उनको समझाने के लिए सभी बड़े नेता उनके पास पहुँचे फ़ोन पर उन पर बात की लेकिन वो अभी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं तो कहा जा सकता है कांग्रेस की ही नहीं बीजेपी की भी मुश्किलें बहुत ज़्यादा इस विधानसभा चुनाव में बनी हुई हैं इसके साथ ही अगर बात करें भाजपा में राजधानी देहरादून की तीन बड़ी सीटें कैंट विधानसभा सीट धर्मपुर विधानसभा सीट डोईवाला वाला विधानसभा सीट जिस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक थे वो सीट भी कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा नुकसान दे सकती है क्योंकि इन तीनों ही सीटों पर भाजपा से नाराज होकर उनके ही लोग चुनाव मैदान में डटे हुए हैं जिनको समझाने में भाजपा नाकामयाब साबित हो रही है इतना ही नहीं भाजपा धनोल्टी विधानसभा सीट से भी महावीर सिंह रंगगढ़ उनके बड़े चेहरे वो नाराज़ चल रहे हैं चुनाव मैदान में वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो कुल मिला के कहा जा सकता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ी हुई है लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें बढ़ी हैं वो है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की और हरीश रावत की मुश्किलें इस वजह से भी ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि पार्टी के ही कुछ लोग संध्या को सपोर्ट कर रहे हैं संध्या को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं और इसका खामियाजा हरीश रावत को इस विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है और यही वजह है कि भाजपा कांग्रेस में जो बगावतें हैं वो तो हैं लेकिन बड़े नेताओं की सीटों पर भी बड़ी बगावत दिख रही है ऐसी और भी कई जानकारी आपको देते रहेंगे तब तक जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ नमस्कार